मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जनाब खुदा आप सबको खुश रखे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें रागों की पहचान नहीं होती, तो जनाब आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है रागों की पहचान। इसको आप झाड़खंड भी कह सकते हैं, इसको आप रागों की वंड भी कह सकते हैं कि रागा दी वंड किंज करनी तुझी। तो वीडियो इंज काफ़ी लोग कहते थे कि भाई हमें रागों की समझ नहीं आती, हमें रागों का पता नहीं चलता कि हम कौन सा राग बजाएं, कौन सा मतलब हमें कोई भी हम राग बजा ले हम भूल जाते हैं इसका नाम क्या है। और आज हम राग भैरवी से शुरू करेंगे। सारे गामा पधनी सानी दा पमगरी राग भैरवी, बहुत सिंपल सा राग है, तो काफी बहुत बड़ा भी राग है ये। ठीक है, राग बड़े भी होते हैं, राग छोटे भी होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल राग जो होता है वो छोटे सुर का राग होता है, जो पांच सुर का होता है, उसमें सरगम पलटा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि फिर जब तक आप करेंगे नहीं आपको किस तरह समझ लगेगी हम किस तरह करेंगे आगे चलें। तो दूसरा जो राग है वो राग भैरव। सरे गमा पधनी सनी धा पमगरे। तीसरा हम राग बजाएंगे बलावल। सरे गमा पधनी सनी धा पमगरे। राग बलावल, राग खमाज। सरे गमा पधनी सनी धा पमगरे। राग काफी। सरे गमा पधनी सनी धा पमगरे। जो राग हम जा रहे हैं वो है खमा, क्या कहते हैं, कल्याण। सरे गमा पधनी सनी धा पमगरे। राग टोटी किस तरह जाएगा? ये मैं राग बजा रहा हूं, ये ठाठ नहीं मैं बजा रहा। ठीक है, सरे गमा प सरे गमा ध नी सा नी ध अगर ठाठ आप देखेंगे तो ठाठ इस तरह जाएगा सरे गमा
टोटी ठाट है। सानी सारी गरी गम गम तो वीडियो को सपोर्ट के बिना तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, वीडियो को जितना सपोर्ट करेंगे आप सबका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।